प्रश्न 21, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स टू द बेस एक्स डीएक्स हमें ज्ञात करना है। अब लॉग के नियम से हम जानते हैं कि लॉग एम टू द बेस ए ये बराबर होता है लॉग एम अपॉन लॉग ए, जबकि आधार कोई भी हो, मान लेते हैं आधार ई है, तो इस प्रकार से होता है। अब यहां हमें मिला है लॉग एक्स टू द बेस एक्स, तो इस नियम से लॉग एक्स टू द बेस एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बटा लॉग एक्स, जबकि कोई भी आधार हो, और हम यदि आधार ई मान ले तो ये हो गया इस प्रकार से, और ये हो जाता है कैंसिल, अर्थात मान आता है एक के बराबर, तो लॉग एक्स टू द बेस एक्स एक होता है। तो दिया गया समाकलन आई बराबर है, तो आई बराबर हो गया इंटीग्रल एक डी एक्स, और एक डी एक्स का समाकलन हो गया एक्स, तो एक्स प्लस सी आई का हमारा मान हो गया एक्स प्लस सी। अब हम प्रश्न 22 देखते हैं। प्रश्न 22 है, हमें समाकलन ज्ञात करना है अंडर रूट एक प्लस कॉस दो एक्स डीएक्स का, इस एक को हमें काटना है, कॉस दो थीटा के हमारे जो दो सूत्र हैं उनमें से किसी एक का प्रयोग करना है। किस प्रकार से करते हैं, देखो एक तो हमारा सूत्र है दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक, यदि यहां दो थीटा है और इसे थीटा में बदलना है, तो हमारे जो दो सूत्र हैं उनमें से एक सूत्र तो ये है, और एक सूत्र है एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा। यदि मैं पहले वाले का प्रयोग करूं तो यहां मुझे माइनस का मिलता है, और वो इस माइनस के, वो माइनस का इस प्लस के एक को काट देगा, तो माना दिया गया समाकलन आई है, तो आई बराबर क्या हो गया अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट एक प्लस, ये लिख दूं दो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक, एक से एक ये कैंसिल हो गया डीएक्स, ये कितना मान हो गया अंडर रूट दो, और कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट क्या हो गया कॉस एक्स, अर्थात मान कितना आ गया अंडर रूट दो तो बाहर आ गया, इंटीग्रल कॉस एक्स डीएक्स, और ये हमारा मानक सूत्र है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स, तो अंडर रूट दो साइन एक्स प्लस सी, सी समाकलन का अचर है।